इसराइल हमास युद्ध दिन ब दिन भयंकर होता चला जा रहा है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश इसराइल का साथ दे रहे हैं। गुपचुप तरीके से अमेरिका ने इसराइल को हथियारों से पाट दिया है, लेकिन इसराइल को भेजी जा रही मदद को देखते हुए ईरान गुस्से में आ गया है। ईरान ने अमेरिका को गाजा से खदेड़ने तक की धमकी दे डाली है। ईरान के अमेरिका पर धमकी भरे बयान के बाद ईरान को इसराइल और अमेरिका से हमले का खतरा है। ऐसे में ईरान ने अपनी उत्तर पूर्वी सीमा पर मिसाइल, ड्रोन्स और तोप इकाइयों को तैनात किया है। ईरान की ग्राउंड फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल कीमर्स हैदरी ने कहा है कि किसी भी संभावित खतरे का तेजी से और समय पर जवाब देने के लिए ऐसा किया गया है। ईरान की सेना देश की स्वतंत्रता और अखंडता को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है और ये पूरी मजबूती से सीमाओं पर डटी हुई है। ग्राउंड फोर्स खतरों का कड़ा और निर्णायक जवाब देने के उद्देश्य से सीमाओं पर मिसाइलों, ड्रोन्स और युद्धाभ्यास बलों के संदर्भ में योजना का मूल्यांकन कर रही है। वहीं ईरान की ओर से सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ महीनों में ही ईरान ने कई मिसाइल और ड्रोन भी तैयार किए हैं। आखिर ये सब ईरान किसके लिए कर रहा है? इस समय ईरान जिसको सबसे ज्यादा समर्थन कर रहा है वो है हमास। ऐसे में सवाल यही है कि कहीं ईरान हथियारों से हमास की मदद तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में इसराइल हमास युद्ध और खतरनाक मोड़ ले सकता है।